हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, सारे बच्चे फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 से प्रैक्टिस सेट नंबर जो 22 है, जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखने वाले हैं। ओके, अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज हमारे प्रीवियस वीडियो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 1, 2, 3 बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, आई होप आप लोग जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और चैनल से जुड़ने के लिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए, इसी के साथ अभी हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन रह गए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 में, वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी हम लोग क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 को पहला रीड कर लेते हैं। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको ये जितने भी नंबर दिया ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको करना है। देखिए, मैंने जो प्रीवियस वीडियो जब या फिर प्रीवियस लेक्चर जब हम लोग किए थे, तो वहां पर हम लोग ने क्वेश्चन 1, 2, 3 में हम लोग ने कुछ बेसिक्स भी सीखे थे। ओके, अब हम लोग को यहाँ पर और एक बात को समझना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है भाई। ओके, आपको रैशनल नंबर का आपको डेफिनेशन बताया। रैशनल नंबर जो होता है वो कभी भी एम अपॉन एन के फॉर्म में होता है या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। ओके, वेरिएबल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो इस फॉर्म में होता है। ओके, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे एम और एन क्या रहेगा भाई, एम और एन क्या रहेगा भाई, एक इंटीजर रहेगा। ये दोनों क्या रहेगा, एक इंटीजर रहेगा। ओके, बट लेकिन एन का जो वैल्यू है, बट हम लोग बोलेंगे एन जो है इट शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। एन का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, एम और एन का वैल्यू एक इंटीजर होगा। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ओके, ये सब आ सकता है, बट एन का वैल्यू को हमें जीरो नहीं लेना होता है। जो रैशनल नंबर होता है वो इस फॉर्म में होता है, एम अपॉन एन के फॉर्म में होता है। ओके, अब एडिट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है भाई, जैसे कि एक एक नंबर है सपोज एम अपॉन एन के फॉर्म में है, एक रैशनल नंबर। ओके, अगर दूसरा रैशनल नंबर एन अपॉन एम के फॉर्म में रहेगा, ओके, तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, वन आ जाएगा। ओके, आएगा कि नहीं। एम अपॉन एन एक रैशनल नंबर था, एक दूसरा रैशनल नंबर है, बट सिर्फ क्या है भाई, एन अपॉन एम के फॉर्म में। यहाँ पे एम अपॉन एन है, यहाँ पे एन अपॉन एन के फॉर्म में। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, वन आएगा। कैसे वन आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ पे ये जो एन है इस एन के साथ में कट हो जाएगा। ओके, और ये जो एम है इस एम के साथ में कट हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, तो कुछ नहीं बचा तो क्या बच जाना चाहिए, वन बचेगा। ओके, समझ में आया कि नहीं? यस। उसी तरह अगर मान लो कि मैं एक रैशनल नंबर लेता हूँ 5/3 और एक दूसरा रैशनल नंबर लेता हूं 3/5। ओके, सो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या आएगा, आंसर क्या आएगा भाई, अगेन वन आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन वैल्यू वन आएगा, क्योंकि ये जो 5 है ना, ये न्यूमरेटर में है और ये 5 डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों कट हो जाएगा। ओके, कभी भी कैंसिलेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है, बरोबर है कि नहीं? न्यूमरेटर में कोई नंबर है, ओके, और ये डिनोमिनेटर में नंबर है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आता होगा। ये दोनों को मैं कैंसिल कर दिया, वैसे यहाँ पर देखो ये 3 न्यूमरेटर में और ये 3 डिनोमिनेटर में, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचा भाई, क्या बचा स्टूडेंट, बचेगा वन। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं अगर कभी भी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर वन आता है, क्या आता है भाई, वन। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर वन आता है तो इन दोनों रैशनल नंबर को हम लोग कहेंगे ये दोनों मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का। आई होप यू ऑल ऑफ अस अंडरस्टूड। ओके, यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा, देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज वन, देन ईच इज सेट टू बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछा भाई 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो क्या बोलोगे, 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करना भाई, इसको उल्टा करके बता देना, 2/3। अंडरस्टूड, समझ में आया सबको? ये जो वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा आई होप। 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा भाई, 2/3 आ जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो अगेन वैल्यू क्या मिल जाएगा, वन आ जाएगा। ओके, तो अगर आपसे किसी ने पूछा क्या है भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप लोग क्या बोलोगे,
इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज वन, अगर दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर वन आता है तो उन दोनों रैशनल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। आई होप क्लियर हो गया डाउट। तो अभी हमें इस क्वेश्चन में यही लिखना है। ओके, यहाँ पर 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा भाई, क्या आना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आना चाहिए, 5/2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा तो 2/5 का क्या कर दोगे, 5/2 लिख दोगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज, क्या लिखोगे भाई, 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2। इस तरह से आपको लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ पर लिख के दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे -3/8। देखिए अब नंबर नेगेटिव में, नंबर नेगेटिव में है ना, सो नेगेटिव में है तो दूसरा वैल्यू भी क्या लोगे भाई, नेगेटिव में लोगे, तो उसको ऐसे लिखेंगे -8/3। ओके, 3/8 है ना, तो उसको क्या करना है भाई, 8/3 लिखोगे, और जो माइनस था तो वहां पे माइनस देना पड़ेगा। अंडरस्टूड, क्योंकि हमें दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने का तो उसका प्रोडक्ट वन आना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए। तो नेगेटिव कब नहीं आएगा, जब दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे ना, तब वो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, सो एक ऑलरेडी नेगेटिव नंबर है तो दूसरा भी नेगेटिव में ही लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड, तो जाके उसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव वन मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे -3/8 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इसका भाई -3/8 इज, क्या आना चाहिए, -8/3। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट वन देख लो जरा, -17/39। सो यहां पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -17/39 इज, क्या आ जाएगा भाई, -39/17। ओके, चलो सेवेंथ वन है, यहाँ पे सेवन है, सिर्फ न्यूमरेटर दिख रहा है, इसका डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है। ओके, तो आप लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे अपॉन वन है। ओके, सिर्फ सेवन है तो अपॉन में कुछ नंबर नहीं, तो अपॉन में हम लोग क्या ले सकते हैं बच्चों, वन ले सकते हैं। ओके, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका भाई, 7/1 का, 7/1 इज, क्या आ जाएगा भाई, 1/7 आ जाएगा। 7/1 को उल्टा कर देना बस, 1/7 यहां पे। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दो जरा, क्या आ जाएगा देखो यहां पे, कैसे बदलेंगे, 3 7 21 21 plus 1 22 आई होप यू ऑल ऑफ अस अंडरस्टूड। इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, क्या आएगा, -3 × 7 और +1। देखो 3 × 7 कर दिया और प्लस, न्यूमरेटर में जो वैल्यू था प्लस वन कर दिया, और अपॉन में जो वैल्यू है 3 उसको लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 3 7 × 21 तो -21 आएगा और +1 और अपॉन में 3, तो इसका वैल्यू आएगा, -21 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, -20 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस और बड़े नंबर का साइन देंगे हम लोग। आई होप यू ऑल ऑफ अस अंडरस्टूड। देखो क्या किया, 3 × 7 कितना आ गया, 3 × 7, ये माइनस साइन था तो यहाँ पे हमने माइनस दे दिया, और जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू होता है वो भी ऐड हो जाएगा। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगा, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर में जो नंबर दिख रहा है वो लिख देना है यहाँ पे। ओके, अब ये 3 × 7 किया तो 21 आया, और ये प्लस 1 को लिख दिया था। अब देखो ये माइनस प्लस तो हमने सीखा हुआ है, तो माइनस प्लस करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है भाई, माइनस होगा। ओके, और साइन क्या डालना है, बड़े नंबर का, तो -20/3 आया। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा भाई, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -20/3 इज, क्या लिखेंगे भाई, -3/20।
तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स हम लोग मिलकर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी सारे बच्चे जो है ना इस क्वेश्चन में बहुत सारे गलतियां कर बैठते हैं, बट हम लोग जो है ये गलती नहीं करेंगे। ओके, और जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से वीडियो को देखिएगा। आपको बिल्कुल ये वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि हम जो है गलती कर सकते, इतना कॉन्फिडेंट आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों मेरे साथ हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है पहले समझ लो। कैरी आउट द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, हमें क्या करना है भाई, दो रैशनल नंबर को डिवाइड करना है। ओके, समझ में आया क्या? क्या करोगे आप लोग, दो रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे। सो हम लोग कभी भी जब दो रैशनल नंबर को डिवाइड करने के लिए कहा गया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ये जो पहला वाला रैशनल नंबर है ना वो एजिडिस लिखेंगे। क्या दिया गया पहला वाला रैशनल नंबर, 40/12। ओके, ये एजिडिस रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिवाइड का साइन है ना इसको मल्टीप्लाई में बदल देंगे। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे ना तो जो दूसरा वाला रैशनल नंबर है ना उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, दूसरे वाले रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो 10/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, 4/10, इस तरह से। ओके, समझ में आया? ये हमें क्या बोला गया था, दोनों को डिवाइड करने, दोनों रैशनल नंबर को डिवाइड करना है। तो पहला वाला रैशनल नंबर को एजिडिस लिखना है, वो उसको हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसमें डिवाइड से मैंने साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो था ना 10/4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देने का यहाँ पे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखो अब हम लोग न्यूमरेटर में जो वैल्यू है ना वो डिनोमिनेटर के किसी भी वैल्यू के साथ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे न्यूमरेटर में 40 है, ओके, तो ये डिनोमिनेटर में 12 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, या 40 जो है डिनोमिनेटर में 10 के साथ भी हो सकता है। वैसे यहाँ पे 4 है, ये 4 को हम लोग 12 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं या 4 को हम लोग 10 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के किसी भी वैल्यू के साथ में डिवाइड हो सकता है, अगर होगा तो। ओके, जैसे कि आप देखो यहाँ पे 40 दिख रहा है और 10 दिख रहा है, बहुत ही सिंपल है। 40 और 10 का दोनों का क्या लिंक है भाई, 40 और 10 का, 10 के टेबल में 40 आता है तो मैं क्या करूंगा, 10 1 10 कर दूंगा और यहाँ पे कट करके क्या लिखूंगा, 4 जा। ओके, 10 के टेबल में 40 आता है ना, उसलिए 10 1 10 किया, 10 4 जा। हाँ, सामने सामने नहीं करना है, सामने सामने सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड कब होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही। ओके, आप देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ओके, और डिनोमिनेटर में 12 दिख रहा है, तो हम लोग किसी भी फोर को हम लोग 12 के साथ में डिवाइड कर सकते हैं, सही है। तो चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, 4 1 जा और यहाँ पे कट करके कितना लिखूंगा, 4 3 जा। तो नंबर जो बचा अभी उसको लिख दो, क्या बचा भाई यहाँ पे, क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 4 बच रहा है, और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 3, और मल्टीप्लाई भाई यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, 1/1। ओके, यही बच रहा है ना, दोनों तरफ 1। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अब डिवाइड होने वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या करो, सामने सामने इसको मल्टीप्लाई कर दो, सही है कि नहीं, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1 कर दो और अपॉन में क्या बच रहा है, 3 × 1, इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे। तो फाइनली आपको क्या वैल्यू मिलेगा, 4 1 जा क्या मिलेगा, 4 आएगा और 3 1 जा 3। तो इसका आंसर आ गया 4/3, इतना ही करना है इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट वन अभी देखते हैं हम लोग, -10/11 डिवाइड बाय -11/10। तो मैंने क्या सिखाया भाई, आपको इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहला जो रैशनल नंबर है उसको एजिडिस लिख दो, -10/11 को एजिडिस में लिख दूंगा। अब डिवाइड जो है, डिवाइड का साइन क्या कर दो, बदल दो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो जो दूसरा वाला जो रैशनल नंबर रहेगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देने का। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा भाई, -10/10 का, -10/11 इसका मल्टीप्लिकेटिव आएगा, -10/11। ओके, ये आएगा। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर डिवाइड होगा क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर डिवाइड होगा, नहीं होगा, देख लो जरा, यहाँ पे 10 है, नीचे 11 है, कहीं होगा, दोनों किसी और टेबल में आता है क्या, 10 और 11 को और टेबल में आता है क्या, नहीं। वैसे भी 11 का एक प्राइम नंबर है, बरोबर है कि नहीं, तो आपको सोचना भी नहीं है फिर उसके बारे में। अब डायरेक्टली क्या करेंगे, डिवाइड नहीं होता है तो सामने सामने हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को
डिनोमिनेटर से, समझ में आया कि नहीं? यस। और यहाँ पे दोनों तरफ में माइनस है, तो आपको पता है माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 into 10। ये माइनस माइनस को यहाँ पे भी ऐसे कट कर सकते हो तुम लोग, वो कट हो गया। ओके, क्योंकि दोनों तरफ में क्या था, माइनस था, तो ये कट हो गया। तो ऊपर क्या बच गया, 10 into 10, और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा भाई, 11 into 11। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 10 into 10 करेंगे तो क्या आएगा, 100, और अपॉन में 11 into 11 करेंगे तो क्या आएगा, 121। 10 10 100 आएगा, 11 11 121। ओके, ये थोड़ा बहुत आप लोग इसको जानते रहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट वन, थर्ड सम की तरफ बढ़ जाते हैं। थर्ड सम में क्या दिया गया है, -7/8 / -3/6। अगेन तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पहला वाला जो रैशनल नंबर है उसको एज इट इज लिखो, -7/8। अभी डिवाइड का साइन है, तो इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई में। जैसे मैं मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करूंगा, तो ये जो दूसरा वाला रैशनल नंबर है -3/6, उसका क्या हो जाएगा, उसका भी मल्टीप्लिकेट इनवर्स कर देने का। तो मल्टीप्लिकेट इनवर्स क्या आएगा, -6/3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेट इनवर्स क्या हो जाएगा, -6/3। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, देख लो अच्छे से देख लो, कैंसिल होगा। देखो 7 और 8 कुछ होगा कैंसिल, पहले यहाँ पे यहाँ से चेक करो, 7 और 8 होगा कैंसिल, 7 एक प्राइम नंबर है, नहीं होगा क्या, 7 और 3 होगा क्या, कैंसिल नहीं होगा। ओके, अब चलो यहाँ पे आ जाओ, इस वाले न्यूमरेटर के पास आओ, 6 6 और 3 इसको चेक कर लेते, होगा। ओके, दोनों 6 और 3 के डेल में 6 आता है, बराबर है कि नहीं, तो हम लोग कैंसिल कर लेते, 3 1 जा 3 2 जा। अगेन देखो ना, यहाँ पे अभी 2 बचा है, यहाँ पे 8 है, अगेन 2 और 8 का क्या आंकड़ा है भाई, 2 के डेवल में 8 आता है, बराबर है कि नहीं, तो 2 के डेवल में 8 कब आता है, 2 1 जा 2, और यहाँ पे हम लोग कट करेंगे 2 4 था। ओके, अब और भी नंबर है कुछ कैंसिल होने के लिए, अभी कुछ नहीं बचा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो नंबर बचता है उसको लिख देता हूँ एक बार, क्या बच रहा है भाई, -7/4 बच रहा है। इस साइड में क्या बच रहा है, 1 के अलावा कुछ है, 1 के अलावा कुछ और बचा है नहीं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1/1। देखो यहाँ पे हम लोग ये माइनस है, इसको माइनस को भी यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, सही है कि नहीं, दोनों तरफ माइनस है ना, तो उसको वहीं पे मैंने खत्म कर दिया। तो बचा क्या भाई, न्यूमरेटर में बचता है 7 into 1। ओके, और डिनोमिनेटर में अपॉन में क्या लिखेंगे, 4 multiply by 1। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 7 1 जा 7 और 4 1 जा 4। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। यस, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में। आप देखिए यहाँ पर 2/3 / -4 है। ओके, अब -4 के नीचे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या ले लेंगे भाई, -4/1 करके ले लेंगे। डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है ना बच्चों, तो हम लोग क्या कर लेंगे, अपॉन में 1। ओके, सबको समझ में आ रहा है। यस, तो 2/3 एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, तो ये जो दूसरा वाला रैशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेट इनवर्स हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेट इनवर्स क्या आएगा भाई, -1/4, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ओके, यहाँ पर तो ये देखो, अभी 2 और 3 डिवाइड होगा क्या, नहीं, 2 और 3 डिवाइड होगा, नहीं होगा, लेकिन 2 और 4 हो जाएगा, 2 के डेवल में 4 आता है, होता है कि नहीं। तो ये हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 जा 2, और यहाँ पे कट करेंगे, इसको कट करके लिखेंगे 2 2 सा। अब जो बचा उससे हम लोग लिख लेते, यहाँ पे क्या बच रहा है, 1, और यहाँ पे 3, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या बच रहा है, -1 और अपॉन में 2। अब देखो माइनस साइन दोनों तरफ नहीं है। ओके, माइनस साइन दोनों तरफ है क्या, नहीं, तो माइनस कट होगा, नहीं कट होगा। ओके, तो हम लोग अभी आंसर लिखेंगे, 1 multiply by -1, इसको इस तरह से ब्रैकेट में डाल देता हूं, और अपॉन में क्या लिखूंगा, 3 multiply by 2। अब कुछ डिवाइड होने वाला नहीं है, तो सामने सामने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। Have you all of us understood? सबको समझ में आया? Yes, 1 multiply by -1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आंसर आएगा। देखो माइनस साइन एक ही जगह पे है, तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, ये ध्यान में रखना सब लोग। ओके, और अपॉन में क्या लिखेंगे, 6। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन 4 हो चुका है। चलिए अभी आगे की भी हम लोग फटाफट और भी 4 जो क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर फटाफट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 5th सम अभी देख लेते क्या दिया है। ये देखिए यहाँ पर अभी हमें 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया, इसको हमें डिवाइड करने के लिए कहा गया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको पता है कि किस तरह से हम लोग इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, क्या करना होता है भाई, यहाँ पर ये जो 5 है ना, पहले इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 5 into 2 5 multiply by 2, और फिर यहाँ पे जो न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको एड करो, +1। देखो 5 into 2 किया मैंने यहाँ पे,
थोड़ा फिर से मैं लिख देता हूं यहां पे 5 × 2 और फिर न्यूमरेटर में जो नंबर है वो ऐड हो जाएगा ओके। और अपॉन अपॉन में क्या बचेगा भाई, अपॉन में ये जो 5 है इसको अपॉन में लिख देना फिर से ओके। फिर यहां पे भी क्या करेंगे, डिवाइड का जो साइन है डिवाइड दे दो। फिर यहां पे भी सेम टू सेम करना है, क्या करेंगे पहला ये 6 × 5 और प्लस क्या बचेगा, प्लस न्यूमरेटर को ऐड कर लो प्लस 3 ओके। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है, 6 × 5 यहाँ पे लिखेंगे और न्यूमरेटर में जो भी नंबर आएगा उसको ऐड कर लेंगे। फिर अपॉन में क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा ओके। क्लियर हो गया सबको यहाँ पर ओके। नेक्स्ट अभी देखो आगे इसको मल्टीप्लाई कर लो जरा, 5 × 2 = 10 क्या आएगा भाई 11 ओके। देखो 5 × 2 ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, 10 + 1 हुआ तो 11 आया और अपॉन में क्या बचा 5 बचा ओके। फिर डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आएगा, 6 × 5 करेंगे तो 30 + 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 33 और अपॉन में क्या बच जाएगा 6 बचेगा ओके। चलो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गया किस तरह से इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना चाहिए ओके। अब हमें डिवाइड करने के लिए कहा गया है तो आप लोग क्या करोगे भाई, 11/5 जो था उसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे ओके। जैसे मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो जो दूसरा वाला जो रैशनल नंबर है 33/6 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देने का, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा 6 यहाँ पे 6 और अपॉन में 33 इस तरह से आ जाएगा ओके। अब देखो यहाँ पे 11 जो है 11 और 33 ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है, 11 के डेल में 33 आता है ओके। तो कब आता है भाई 11 के डेल में 33, 11 × 1 = 11 और ये कट करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 जा, तो जो बच गया अभी उसको नीचे लिख दो एक बार। अब और भी कुछ है कैंसिल होने लायक, यस है 6 और 3 अच्छे से ध्यान दो, 6 और 3 कैंसिल होगा ओके। 6 और 5 तो नहीं होगा कैंसिल, लेकिन 6 और 3 हो जाएगा ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 × 1 और यहाँ पे 3 × 2 ओके। अब जो बच गया वो लिखो, यहाँ पे क्या बचा न्यूमरेटर में से 1 बचा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में से 5, फिर मल्टीप्लाई बाय ओके। यहाँ पे अब क्या बचा 2 बचा और अपॉन में 1 बचा ओके। सबको क्लियर है, यहाँ से 1/5 और यहाँ से 2/1 आ गया। अब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो फाइनल है, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई 1 × 2 = 2 और 5 × 1 = 5, तो ये 2/5 आ जाएगा इस तरह से। चलो नेक्स्ट वन, -5/13 / 7/26 चलो, तो यहाँ पे -5/13 को एज इट इज लिख दो, -5/13 यस। डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, जो 7/26 है उसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 26/7 लिख दोगे ओके इस तरह से। अब देखो अब क्या क्या कैंसिल होने वाला है, क्या 5 13 या 7 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ओके। अब देख लो यहाँ पे 13 है और ऊपर नंबर क्या है 26, ये देखो ये दोनों होगा 13 के टेबल में 26 ओके। तुमने टेबल पढ़ा है 30, एटलीस्ट तुमको 15 तक का तो टेबल आता ही होगा, तो 13 के टेबल में 26 आता है कि नहीं, तो हम लोग कैंसिल करेंगे 13 × 1 = 13 और यहाँ पे इसको कट करके हम लोग 2 सा लिखेंगे यस। अभी देखो और भी कोई नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिवाइड होगा, नहीं होगा, कोई भी नंबर नहीं है ओके डिवाइड होने वाला, तो आप क्या करोगे जो बच गया उसको लिख दो, यहाँ से क्या बच गया -5 और अपॉन में 1, फिर मल्टीप्लाई का साइन दो यहाँ पे यस, यहाँ से क्या रह गया भाई 2 बच गया और अपॉन में 7 ओके यस। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, सामने सामने इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन एक बार है तो आंसर भी नेगेटिव में लाना है ओके, नेगेटिव में ही आएगा, तो -5 × 2 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 1 × 7, तो यहाँ पे -5 × 2 करेंगे तो क्या आना चाहिए -10 आएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा -10/7। देखो नेगेटिव साइन एक ही बार है पर के लिए यहाँ पे आंसर भी नेगेटिव में आया, अगर नेगेटिव साइन दोनों को होता ना तो आंसर पॉजिटिव में आ जाता ओके। चलो 7 सम देख लो यहाँ पर, अब देखो 9/11 / -8 लिखा है तो बेटर क्या होगा -8 के नीचे क्या पुट कर दो अपॉन 1 पुट कर दो ओके। सो अब 9/11 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा -8/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, तो क्या लिखोगे -1/8 इस तरह से हम लोग लिखेंगे ओके। अब देख लो यहाँ पे कुछ है डिवाइड होने लायक कुछ है, 9 और 11 को डिवाइड कर सकते हैं, ये एक टेबल में नहीं आता है, 9 और 8 ये दोनों भी कोई एक टेबल में आता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं आता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है डिवाइड होने लायक, तो क्या करेंगे जो नंबर है उसको एज इट इज लिख दो 9 × भाई ये -1 है तो इसको ऐसे ब्रैकेट में पुट कर दे रहा हूँ -1 और अपॉन यहाँ पे लिख दूंगा 11 × 8 ओके। सबको क्लियर हो रहा है यहाँ पर,
यस, 9 इंटू माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 9, और 11 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 88। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन, यहाँ पे क्या करेंगे 5 डिवाइड बाय 2 अपॉन 5, यहाँ पर क्या करोगे 5 के नीचे अपॉन 1 पुट कर लो। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे 5 अपॉन 1, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दो जरा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5 का क्या हो जाएगा, यस 2 अपॉन 5 का मल्टीप्लीकेट इनवर्स हो जाएगा 5 अपॉन 2। देखो अगेन यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, कुछ भी नहीं होगा कैंसिल, तो क्या करोगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई 5 5 25 और अपॉन में 1 2 2। ओके, तो इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करना था, और यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन के साथ साथ ये प्रैक्टिस सेट भी खत्म होता है। फ्रेंड्स फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को भी स्टॉप करेंगे। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अगर समझा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो अगर अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आगे का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 23 अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू अगेन।